हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। पुलिस बूस्टर की सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ अंडर अवर प्रोफेशनल्स आपको करवाई जाएगी। हर एक क्वेश्चंस, हर एक लेक्चर्स महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, फुल क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स। तो ये है HPG की आपकी टीम का नंबर, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए और पूरी की पूरी डिटेल्स प्राप्त करिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? जरूर आप इसका आंसर सोचिए और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नाटी। अगर आपने सोचा था और सही हुआ तो वेल डन, आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? फ्रेंड्स, भारत की कृषि से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो एक ऐसा लेक्चर्स, मास्टर लेक्चर्स आपके लिए हम लेकर आएंगे, जहां पर हम सिर्फ भारत की कृषि को अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर एक MCQs डिस्कस करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन जो वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपने बताना है किस क्षेत्र में, क्या वो गेहूं, गन्ना, चावल, सरसों है जिसमें हरित क्रांति भारत में सफल हुई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों गेहूं। गेहूं में दोस्तों हरित क्रांति भारत में बहुत ज़्यादा सफल हुई है, ठीक है, क्योंकि गेहूं जो अब हरित क्रांति में आती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, रंग भेद का अर्थ आपने बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों 2017 के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है, पुलिस के एग्ज़ाम में नहीं, मैं चाहे यहाँ पर बात करूँ हिमाचल के क्लैरिकल जैसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछा गया है 2017 में, 2019 में भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, जातीय भेदभाव। अगर आपने सोचा है तो वेल डन दोस्तों, आप अपना आंसर जरूर रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, यानी कि कौन सी नदी निकलती है अमरकंटक से? फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक शिखर से निकलती है। आपको इन नदियों के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। जैसे गोदावरी जो नदी है वो नासिक से, यानी कि नासिक में ये मिलती है, निकलती है, ठीक है। और नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। महानदी की बात करें यहाँ पर, तो महानदी कहाँ पे पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में। आपको जस्ट याद रखना है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा बेसिक भी याद रहता है तब भी आपके पास आंसर होता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल का राज्य वृक्ष कौन सा है? चलिए आंसर आपके सामने है, देवदार, पीपल या फिर खेजड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष की जब भी हम बात करेंगे, द राइट आंसर इज देवदार, ठीक है। फ्रेंड्स, इसकी PDF आपको कैसे मिलेगी, वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ लेक्चर्स के ऊपर आप फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जीरो आवर्स की यहाँ पर बात की गई है। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो शून्यकाल का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1 घंटे का, और ये 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ये चलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, UNO की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसकी जो स्थापना थी दोस्तों वो 1945 में हुई थी, और ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर्स की बात करें तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है, तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका आपको याद रखना है। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें भारत किसका सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आसियान। फ्रेंड्स, आसियान में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, कौन कौन से देश इसमें आते हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, ठीक है। फ्रेंड्स, आसियान जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, व्यापारिक भागीदार की जब भी हम बात करेंगे तो चौथा सबसे बड़ा कौन है, वो भारत है आसियान का,
ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी यानी कि लार्जेस्ट की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों तो वो होगी आपकी अमेजन, ठीक है। और जब भी हम लॉन्ग नदी की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि लंबी नदी की बात करेंगे तो वो होगी आपकी नील नदी, ठीक है। और अमेजन नदी जो दोस्तों वो कहाँ पे पाई जाती है, साउथ अमेरिका में ये पाई जाती है, जबकि आपकी नील नदी जो है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ब्रोमीन क्या है, एक भूरा तरल है यानी कि ब्राउन लिक्विड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड हैं और इसी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है, क्योंकि ये हमारा भी खुद का एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। क्योंकि लास्ट ईयर 52 स्टूडेंट्स HPG के हब के थे जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया है और आज गवर्नमेंट पोस्टेड पर भी हैं, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस है जो आपके साथ साझा किया जाएगा इन वीडियोस के जरिए, इन क्वेश्चंस के जरिए, हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो आपको याद रखना है इसका जो फॉर्मूला रहता है CaSO4 2H2O, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख डैश अंक के उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पर क्या बात हुई है, चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख डैश अंक के उदाहरण है, क्या वो समरूप है, विषम है, अनुरूप है या फिर सजातीय है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा एनालॉग्स, यानी कि अनुरूप हैं ये, ठीक है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो इसका आंसर होगा अनुरूप, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या करना है, ये है HPG की हब की टीम का नंबर, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए, हर एक क्वेश्चंस, हर एक लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सीरीज़ हिमाचल बूस्टर की सीरीज़ छूट ना पाए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।